हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थ्राइव इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज आपका मैं स्वागत करता हूं एक नए सिलेबस के साथ जो कि जनरली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और रिटन कॉन्सेप्ट में भी काफ़ी ज़्यादा चलन है इस चैप्टर का। जो चैप्टर मैं आपको कराने वाला हूं इसका नाम है ऑल दो या फिर इवन दो। ये सारे के सारे सिलेबस एक जैसे ही होते तकरीबन, लेकिन इनके यूज़ अलग अलग कॉन्सेप्ट में करे जाते हैं, इनका चलन अलग अलग तरीके से करा जा सकता है। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूँगा, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन ये चैप्टर आपके आने वाले टाइम में बहुत मदद करने वाले हैं, बहुत मदद करेंगे आपको। तो मैं डैम श्योर हूँ चीज़ के लिए कि आपके बहुत काम आने वाले चैप्टर हैं। तो मैं ये बात जरूर कहूँगा, वीडियो के साथ बने रहें और ध्यान से देखें और चैप्टर को क्लियर करें, प्रैक्टिस भी करना ना भूलें, ये ध्यान रखना है आपको। तो चलिए चैप्टर शुरुआत करते हैं, ये चैप्टर किस तरह चलता है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि आज हम करने वाले हैं ऑल दो या इवन दो, ये चैप्टर हम करने वाले हैं। इनके जो मतलब होते हैं वो तकरीबन सिमिलर होते हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं होता। बस इवन दो जो थोड़ा होता है हमारा, वो हल्का सा सेंटेंस को प्रभावी दिखाने के लिए या फिर हैरानी को जताने के लिए होता है, जो कि मैं आपको अलग से अभी इसी चैप्टर में कराऊंगा। जैसे कि मैंने कहा ऑल दो और इवन दोनों सिमिलर ही होते हैं। तो बात करते हैं इसको समझने की, इसका रूल पहले, इसका फॉर्मेट यानी इसकी जो पहचान है वो जानते हैं, फिर इसके रूल के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसका जो साउंड होता है यानी जो इसकी पहचान होती है वो बनती है माना कि, यद्यपि या फिर हालांकि, इन तीनों में से एक प्लस में लगता है इसमें फिर भी या तब भी का साउंड। यानी कि माना कि, यद्यपि या हालांकि, प्लस में फिर भी या तब भी का साउंड। जैसे कि हम कई बार कहते हैं नहीं, माना कि हम गरीब हैं फिर भी हम खुश हैं, है ना। तो माना कि और फिर भी, तो इसमें इस तरह के साउंड का हम यूज़ करते हैं। कई बार यद्यपि का इस्तेमाल ना करते हुए लोग फिर भी का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर ऐसा होता है तब भी यही कॉन्सेप्ट, यही रूल चलता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। इस सेंटेंस को, इस तरह के रूलों को, इस तरह के सेंटेंस को दो तरह के रूलों से बनाया जा सकता है, या हम कह सकते हैं ये दो तरीके से बनता है। तो दोनों तरह के रूल हैं या दो जो तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले रूल यानी पहले कॉन्सेप्ट से, जिस तरह से बनाया जाता है। इसमें होता क्या है, आपको ऑल दो या इवन दो, तीनों में से एक लगाना होता है, प्लस में लगाना होता है फर्स्ट सेंटेंस, वो किसी भी चैप्टर का हो सकता है। इसको हम सबोर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। प्लस में आपको लगाना है कोमा। ये रिटर्न जब आप कर रहे होंगे तो रिटर्न में ये बहुत काम का पॉइंट होता है, इसलिए कोमा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि आप चाहें तो यहाँ पे येट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप येट लगाएंगे तो आपको कोमा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे कोमा लगाते हैं तो येट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और येट लगाते हैं तो कोमा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो चलन है आजकल वो कोमा का है, रिटर्न में ज़्यादा कोमा लगते हैं। लेकिन अगर आप बोलना चाहें तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये भी जान लीजिए, अगर आपने कोमा लगा बोलना है तो कोमा तो बोला नहीं जाता है, तो रिटर्न में कोमा लगता है और येट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी अगर आप कोमा लगाते हैं तो बोलते वक्त भी। तो कुल मिलाकर जो उसका रूल बनेगा वो ऑल दो या एवन दो, प्लस में फर्स्ट सेंटेंस, जिसको मैंने कहा कि सबोर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, प्लस में आपको कोमा लगाना है या फिर येट लगाना है, प्लस में सेकेंड सेंटेंस लगाना है जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट रूल। इस फर्स्ट रूल के अंदर एक येट के बारे में एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो येट होता है ऑल दो के साथ सिर्फ येट ही लगता है और कुछ नहीं लगता है। यानी अगर आप जब भी आप ऑल दो या इवन दो लगाएंगे तो येट ही लगाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं लगाएंगे। कई बार लोग क्या करते हैं कि इसके साथ हम लोग ऑल दो या दो के साथ बट लगा देते हैं, तो बट गलत होता है। हालांकि ये सेंटेंस, ये चैप्टर हम बट के थ्रू भी बना सकते हैं बस, लेकिन जब आप ऑल दो या दो लगाएंगे या इवन दो लगाएंगे तो आप बट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बट का इस्तेमाल अलग तरीके से होगा। मैं इस चैप्टर के अंदर आपको बट के बारे में बताऊंगा कि बट को अलग से आपको कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए, आपको ध्यान रखना है ऑल दो, इवन दो या दो के साथ बट का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ येट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया। अब बात करते हैं हम सेकेंड रूल की। सेकेंड रूल किस तरह चलता है, इसके अंदर क्या होता है, थोड़ा रूल हल्का सा उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है, सेकेंड सेंटेंस जो हमारा होता है, जिसे मैंने बताया था प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है, वो पहले आ जाता है, प्लस में आपको दो, इवन दो या फिर ऑल दो, इनमें से एक लगाना होता है। प्लस में आपको फर्स्ट सेंटेंस, जिसको मैंने बताया था सबोर्डिनेट क्लॉज हमारा, वो लगा दें और हमारा सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं, ये हमारा सेकंड सेंटेंस हो गया। तो कुल मिला के सेकेंड सेंटेंस में ज़्यादा घुमा फिरा सेंटेंस नहीं, सिंपल सा लॉजिक है। सेकेंड सेंटेंस लगाओ, दो इवन दो या ऑल दो लगाओ, प्लस में फर्स्ट सेंटेंस जोड़ दो, बस, ठीक है। चलिए अब एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल भी थोड़ी पहले बोला भी था, माना कि हम गरीब हैं फिर भी हम खुश हैं। माना कि हम गरीब हैं फिर भी हम खुश हैं, तो ये कैसे बनेगा। अगर इसको मैं फर्स्ट फॉर्मेट में बनाऊँ यानी फर्स्ट रूल से बनाऊँ, तो ये बनेगा ऑल दो
वी आर पुअर, वी आर हैप्पी। मैं रिमेंबर आपको दोबारा बोल देता हूँ, अगर आप कॉमा लगा रहे हैं तो आपको बोलने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन अगर आपने येट लगाया तो बोलना होगा। तो ये ऐसे होगा, ऑल दो वी आर पुअर येट वी आर हैप्पी, लेकिन अगर आपने कोमा लगा तो बोलना नहीं पड़ेगा। मोस्टली लोग कोमा ही लगाते हैं, ये बोलते हैं नहीं येट वगैरह, ठीक है। चलिए इसको दूसरे तरीके से बनाऊँ तो कैसे बनेगा, यानी दूसरे रूल से, तो यानी कि वही सेंटेंस, माना कि हम गरीब हैं फिर भी हम खुश हैं, तो ये होगा वी आर हैप्पी ऑल दो वी आर पुअर। सिंपलर, बस आगे पीछे हुआ कुछ नहीं है। चलिए कुछ एग्जाम्पल रोल लेते हैं। माना कि तुमने मेहनत की फिर भी तुम यह नहीं कर सके, मतलब कि तुमने मेहनत करी पर तुम ये नहीं कर सके, तो कैसे होगा, ऑल दो यू वर्कड हार्ड यू कुड नॉट डू दिस, यू कुड नॉट डू दिस, शॉर्ट में आप कुडंट भी बोल सकते हैं, यू कुडंट डू दिस, है ना। किसी को तो अगर हम दूसरे तरीके यानी दूसरे रूल से बनाएंगे तो यू कुड नॉट डू दिस ऑल दो यू वर्कड हार्ड, है ना, कितना आसान था। अब बात करते हैं आपके बट वाले की, जैसे कहना था, अगर मैंने कहा था आप चाहें तो इस सेंटेंस में बट का प्रयोग भी कर सकते हैं, है ना, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो अभी जो मैंने आपको बताया उसको ध्यान रखना होगा कि बट का इस्तेमाल आपको ऑल दो या दो के साथ नहीं करना है, क्योंकि ऑल दो और दो या इवन दो के साथ बट का इस्तेमाल नहीं होता। तो बिना ऑल दो बिना दो के अगर आप बनाते हैं तो ये सेंटेंस किस तरह से बनेगा देखते हैं। अगर इसी सेंटेंस को मैं ले लेता हूँ, यानी कि माना कि तुमने मेहनत की फिर भी तुम ये नहीं कर सके, तो ये कैसे बनेगा, यू वर्कड हार्ड बट यू कुड नॉट डू दिस वर्क। अगर इसी को मैं उल्टा करके बनाऊँ, यानी इसको भी दो तरीके से बनाऊँ, तो यू कुड नॉट डू दिस वर्क बट यू वर्कड हार्ड, है ना, कितना ईजी सिंपल सा लॉजिक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। माना कि यह गंदा है फिर भी कीमती है, इस तरह वाक्य आपने सुने होंगे, तो ऑल दो इट इज डर्टी इट इज प्रीसियस, है ना, ऑल दो इट इज डर्टी इट इज प्रीसियस। या दूसरे तरीके से बनाए तो इट इज प्रीसियस ऑल दो इट इज डर्टी, है ना, कितना आसान। तो चैप्टर तो बहुत आसान है, मैं अपनी तरफ से कहूँगा चैप्टर तो बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, बिना प्रैक्टिस करी चीज़ें आपको कभी भी क्लियर नहीं हो सकती है, ठीक है। अब ये तो हमारी बात हुई ऑल दो और दो की, अब मैं बात करता हूँ इवन दो की। तो मैंने कहा था ऑल दो दो इवन दो ये तकरीबन सिमिलर होते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं होता, बस फर्क इतना होता है इवन दो के अंदर स्पेशली कि ये सेंटेंस जो होता है ये सेंटेंस को प्रभावी रूप को दिखाता है, यानी प्रभाव को दिखाता है, और रूल सेम है, यह ऑल दो से ज़्यादा प्रभावी है, यह सरप्राइज को शो करता है, बस मेन यही कह सकते हैं, जिसके एक प्रकार से ये सरप्राइज को शो करता है। अब सरप्राइज किस तरह के होते हैं देखते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ उसने मेहनत नहीं की फिर भी वह पास हो गया, हम बोलते हैं ना उसने मेहनत नहीं करी फिर भी पास हो गया, तो इसमें हैरानी है, इसमें हैरानी क्या है कि मेहनत करे बिना कोई व्यक्ति पास हो गया, तो इस सेंटेंस कैसे बनेगा, इवन दो ही डिड नॉट वर्क हार्ड ही क्वालिफाइड, यानी कि उसने बिना मेहनत करे वो पास हो गया। आप ये ऑल दो या दो भी लगा दें तो तब भी बन जाएगा, ठीक है ना, ऑल दो लगा तब भी बन जाएगा, कोई गलत नहीं होगा, बस इवन दो लगाने से होता क्या है, ये सेंटेंस प्रभावी या फिर हैरानी को दिखाने वाला सेंटेंस माना जाता है। अब चलो एग्जांपल ले लेते हैं। हालांकि मैं अपने दोस्तों को अपनी पार्टी में इन्वाइट नहीं करता फिर भी वो मुझे पार्टी में इनवाइट करते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें क्या हैरानी है, इसमें हैरानी ये है कि मैं पार्टी में किसी को इनवाइट नहीं करता हूँ लेकिन फिर भी मेरे दोस्त मेरे को पार्टी में इनवाइट करते, तो हैरानी की बात है ना कि मैं नहीं करता फिर भी वो करते, तो इसमें हैरानी यही है कि मेरे को मैं नहीं बुलाता लेकिन वो मुझे बुलाते हैं, तो उसको ये हैरानी है। तो इस तरह वाक्य में क्या है, ये हैरानी की बात है, तो कैसे बनेगा, इवन दो आई डोंट इन्वाइट माई फ्रेंड्स इन पार्टी दे इन्वाइट मी इन देयर पार्टी, है ना, वो अपनी पार्टी में मुझे बुलाते हैं, तो ये है फर्क इसके अंदर छोटा सा। तो कुल मिला के देखा जाए सिमिलर है, बस आपको जब हैरानी को डिफाइन करना हो या फिर प्रभावी दिखाना हो सेंटेंस को तो वहाँ पे इवन दो लगा देना, रूल सिमिलर रहता है, कोई फर्क इसमें नहीं आता। चलिए आपको आई होप अच्छे से क्लियर होगा क्या होगा। चलिए
तो बताइए कैसा लगा आपको चैप्टर, कितना आसान सा चैप्टर था ना, ऑल दो दो इवन दो, ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है। पर कई बार क्या होता है छोटे छोटे चैप्टर भी हम लोगों को फंसा देते हैं, कई बार हम छोटे छोटे सेंटेंस में फंस जाते हैं, ये सेंटेंस बनते कैसे, है ना, कितने ईजी चैप्टर थे। बस ये चैप्टर आपको समझ आ गया है या आपको क्लियर अच्छे से हो गया है तो प्रैक्टिस करें ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए आपको, ठीक है। स्पीकिंग वाइज कैसे इस्तेमाल करना है, वाक्य बनाने उनको जनरली स्पीकिंग में यूज़ करना है, रिटर्न करके उसको प्रैक्टिस करनी है आपको, तो होगा क्या कुछ समय के अंदर ये चैप्टर आपके माइंड में बैठ जाएगा। आपने वीडियो देख ली तो यहाँ पे मेरा काम जरूर खत्म हुआ है लेकिन आपका काम शुरू होता है, क्योंकि अब आपको प्रैक्टिस करनी है और ये जरूर करनी है, ये ध्यान रखिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता तो वीडियो को दोबारा देखें, तीन बार देखें, चार बार देखें, फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो आप हमें मैसेज करें, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प कर पाएँ और जल्दी जल्दी आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करें। इसी तरह के नए नए सिलेबस में जल्दी जल्दी लाता जाऊँगा और आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करता जाऊँगा, मेरी तो यही उम्मीद है। चलिए जब तक के लिए बाय।